विदिशा में आयोजित 5वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता के अंतर्गत संभाग स्तरीय टीम में शामिल होकर श्री गुरुकुल स्कूल कसरावत कक्षा 10वीं के छात्र प्रयास नवीन बारचे ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त कर राष्ट्रीय स्तर पर चयनित हुए। छात्र की उपलब्धि पर शिक्षक दिवस पर विद्यालय परिवार द्वारा छात्र का सम्मान किया गया। इस अवसर पर श्री गुरुकुल स्कूल के डायरेक्टर श्री रजनीश पाटीदार, प्राचार्य साजी मैथ्यू, कसरावत के वरिष्ठ पत्रकार अकील खान, सुधीर सराफ, अबरार पठान और नवीन बारचे भी उपस्थित थे। संस्था के संचालक रजनीश पाटीदार ने बताया कि छात्र ने राष्ट्रीय स्तर पर चयनित होकर विद्यालय का गौरव बढ़ाया है और विद्यालय द्वारा समस्त विद्यार्थियों को खेल प्रतियोगिता के प्रति समय समय पर जागरूक किया जाता है और खेलों का आयोजन किया जाता है। कसरावत से अकील खान की रिपोर्ट। हमारा सम्मान इसलिए हुआ है कि हम स्टेट लेवल कंपटीशन वॉलीबॉल कंपटीशन जो कि विदिशा में हेल्ड हुआ था, इसमें से विनर हमारी टीम इंदौर संभाग की टीम ने विनर विन हुई है और वहाँ से मेरा नाम अभी नेशनल लिस्ट में है। आपको खेल की प्रेरणा कहाँ से मिली थी, कैसे आपने इतना ऊंचा स्थान प्राप्त किया? सर 15 अगस्त के दिन जिस दिन हमें पता था कि SGFI टूर्नामेंट हेल्ड होने जा रहा है बालाजी अकेडमी बेड़िया में, तो हमने डायरेक्टर सर और प्रिंसिपल सर से बात करी और अगले ही दिन सर ने हमें बेड़िया जाने के लिए कहा। तो बहुत बहुत धन्यवाद डायरेक्टर सर और प्रिंसिपल सर यादव सर। अच्छा, आपके स्कूल में खेल का क्या माहौल है, किस तरीके से आपने किया, आपको यहाँ पर पढ़ाई के साथ खेल में कैसा प्रोत्साहन मिलता है? यहाँ पर हमें खेल के साथ बहुत बहुत मतलब अच्छा रहता है, ताकि अभी जैसे नया एक नई चीज़ चालू हुई है कि स्टेबैक स्पोर्ट्स के लिए स्टेबैक किया जा रहा है, जिसलिए मतलब जो बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, जिससे वो अपने गेम को और अच्छा कर सकेंगे और नई नई उपलब्धियों को हासिल करेंगे। अब थोड़े से डरते सबसे पहले तो बधाई देना चाहूँगा कि आपकी स्कूल से जो बच्चा है उसने स्कूल का गौरव बढ़ाया है और आजकल पढ़ाई के साथ में बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए भी आगे लाया जा रहा है। आपके स्कूल में क्या क्या साधन है, किस तरीके से और कौन से गेम्स में आप? हमारे स्कूल में हम पढ़ाई के साथ बच्चों का स्पोर्ट्स के ऊपर भी पूरा ध्यान देते हैं, बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं। हम चाहते हैं कि बच्चे किसी भी फील्ड में, तो चाहे पढ़ाई हो या अदर फील्ड हो या स्पोर्ट्स हो या बिजनेस हो, हर चीज़ के अंदर कहीं ना कहीं अपना परचम लहराएँ, बच्चे आगे बढ़े, इसलिए हम स्पोर्ट्स पे भी बहुत ध्यान देते हैं। आजकल बच्चों का फिजिकल फिट होने के लिए स्पोर्ट्स में जाना बहुत ज़रूरी है और हम हमारे स्कूल में प्रयास करते हैं कि हर बच्चा स्पोर्ट्स में आगे आए और खूब प्रयास करके खूब खेले और प्रयास जैसे आगे बढ़े। हमें खुशी होती है प्रयास जैसे बच्चे जब आगे बढ़ते हैं तो हमें अच्छी गुरु दक्षिणा मिलती है और हम पूरे परिवार को, प्रयास को, सभी को बधाई देते हैं। अच्छा, वॉलीबॉल के अलावा और कोई व्यक्तिगत गेम्स में आपके यहाँ पे कोई बच्चा आगे जाना चाहता हो या कोई गया हो? खेलते हैं ना, हमारे यहाँ सारे स्पोर्ट्स में बच्चे आगे बढ़ते हैं। हमारे यहाँ क्रिकेट है, वॉलीबॉल है और बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, सारे स्पोर्ट्स गेम्स होते हैं। सभी में कहीं ना कहीं बच्चों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, अलग अलग फील्ड में अलग अलग बच्चे गए हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।